All right, we have some news coming in on that top story. Rajan Vichare, who is a Shiv Sena MP, who force-fed a caretaker in Maharashtra Bhawan, has now apologised for that unpardonable act. बात करें लेकिन ठीक है चलो उसको बेचारा रोजा था उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि बाबा उसकी गलती होगी होगी लेकिन ये इसका मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ के कोई किया है इसका जो कलर लगाने का काम जो आप लोग कर रहे हैं मतलब वो लोग कर रहे हैं ना वो गलत है All right, finally an apology coming in from the Shiv Sena MP who tried to force feed the employee of the IRCTC. Also a lot of reactions coming in thick and fast. Let's listen. मुझे लगता है कुछ नहीं हुआ है गंभीर आरोप लगाने वाले कौन लोग आप देख लीजिए ये गंभीर आरोप लगाने वाले मुंबई के मंत्रालय में बैठे हैं हरे हुए कांग्रेस वाले हैं महाराष्ट्र सदन में जरूर आंदोलन हुआ है और आंदोलन न्याय के लिए था और अन्याय के खिलाफ था महाराष्ट्र के सांसद जो नए सांसद चुन के आए हैं वो सदन में रहते हैं और इतनी बुरी तरह से वहाँ अव्यवस्था अराजकता फैली है गंदगी फैली है उसके खिलाफ अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम क्या करेंगे बार बार हमारे सांसदों ने वहाँ अपनी शिकायतें की है लेटर लिखा है लोकसभा के सभापति तक कर हमने लेटर लिखा है फिर भी अगर कोई बात वहाँ सुधारती नहीं है तो हमारे सांसदों ने जरूर आंदोलन किया है और लोग गुस्से में थे गुस्से में एक दो बातें हो गई होगी तो देखना पड़ेगा लेकिन मुझे लगता है कि और जो जिस प्रकार से माहौल बनाया है शिवसेना के खिलाफ उससे महाराष्ट्र के जो भ्रष्ट कांग्रेस